बिजली विभाग के दिहाड़ीदार कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल आज 144वें दिन में प्रवेश कर गई। आल J&K PDD डेली वेजर्स के बैनर तले हड़ताल कर रहे जिला जम्मू के दिहाड़ीदार कर्मचारियों ने आज यूनियन प्रधान सुरजीत खजूरिया के नेतृत्व में प्रेस क्लब जम्मू के निकट आक्रोश रैली कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जम्मू व कठुआ के दिहाड़ीदार कर्मचारियों के साथ भेदभाव हुआ है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ये बहुत भेदभाव हुआ है। ये भेदभाव था और कठुआ से और जम्मू से, क्योंकि तमाम जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसका बहुत ज्यादा आगे किया गया है। जो सीनियर लोग थे जम्मू के और कठुआ के, बहुत जूनियर किए गए, और जो जूनियर लोग थे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सीनियर किए गए। और कश्मीर का जो डेली वेजर था PDD में, जिसका 7 साल कम्प्लीट किए चुका है, उसको सभी को जागरूक किया गया है। जम्मू से बहुत ज्यादा बेइंसाफी की गई है। हम इसे साझा सरकार से और खास करके PDD के मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर साझा सरकार के डिप्टी CM निर्मल सिंह जी हैं, हम आपके माध्यम से उनसे अपील करते हैं और बात निकलते हैं। जो जम्मू का कठुआ से भेदभाव डेली वेजर हुआ है, इसको फौरी तौर पर शॉर्ट आउट किया जाए। अगर सरकार और बिजली प्रशासन इस मसले को हल करने में नाकामयाब होता है, जम्मू और कठुआ का डेली वेजर सड़कों पर होगा और एजुकेशन मजबूत करेगा। ज्ञात रहे कि बिजली विभाग के दिहाड़ीदार कर्मचारी उनको स्थायी करने की मांग के साथ साथ अन्य कई मांगों को लेकर गत 28 नवंबर से काम छोड़ो हड़ताल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।